गुड इवनिंग स्टूडेंट. गुड इवनिंग सर. अच्छा बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में सारा डेफिनेशन स्टार्ट किया था. रेसिमिक मिक्सचर का डेफिनेशन मैंने आपको बताया. जस्ट चेक द प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्लास का पीडीएफ. नेक्स्ट टर्म आता है मेरा इनेंशियोमर्स. व्हाट डू यू मीन बाय इनेंशियोमर्स? इनेंसोमर्स के लिए ना एक एग्जांपल लेता बच्चों. जैसे मैंने एल्डिहाइड लिया है, या लास्ट कार्बन CH2OH था, ये H और ये OH. दिस कार्बन एटम इज व्हाट? एसिमेट्रिक कार्बन एटम. इसका मैं मिरर इमेज लेता हूँ. आई टेक द मिरर इमेज ऑफ दिस. मिरर इमेज लोगे ना तो स्टूडेंट आपको ऐसा होगा CHO CH2OH और ये H. दोनों स्ट्रक्चर का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है. दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है. अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स भी सेम है, बट दे डिफर ओनली इन द रोटेशन ऑफ लाइट. सपोज ये स्ट्रक्चर वन है, ये स्ट्रक्चर टू है, दे रोटेट प्लेन पर. सपोज ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये लाइट को क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा. ये जितना लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा उतना ही लाइट ये एंटी क्लॉकवाइज को घुमाएगा. मतलब ओनली दे डिफर ओनली इन द डायरेक्शन, ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, रोटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो इनेंसोमर्स आर नथिंग बट बच्चा लोग ये क्या होते हैं? इनेंसोमर्स को हम बोल सकते हैं दे आर स्टीरियो आइसोमर्स. ये स्ट्रक्चर वन हो गया, मैं मान लेता हूं ये मेरा स्ट्रक्चर वन है बच्चा लोग, स्ट्रक्चर वन. और ये क्या है? मेरा स्ट्रक्चर टू. क्या है बच्चा लोग? स्ट्रक्चर. तो इनेंसोमर्स आर नथिंग बट दे आर enantiomers are nothing but enantiomers. Enantiomers को हम बोलते हैं they are stereoisomers. क्या होता है बच्चे लोग? It is they are stereoisomers. They are stereoisomers. Stereoisomers का मतलब क्या होता है? They differ in the arrangement of atoms या group of atoms in plane. दूसरी बात, इनेंसोमर्स का वर्ड स्प्लिट करो. इनेंशो का मतलब होता है अपोजिट. इनेंसोमर्स मतलब होता है, इनेंसोमर्स मतलब होता है, इनेंशो का मतलब होता है अपोजिट. मर्स का मतलब होता है पार्ट्स. क्या होता है बच्चे लोग? पार्ट्स. तो इसको हम बोलते हैं अपोजिट पार्ट्स.
क्या बोलते हैं इसको बच्चे लोग, अपोजिट पार्ट्स, मतलब ये क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका अपोजिट पार्ट होगा। तो इनेंसोमर्स आर नथिंग बट, इनेंसोमर्स आर नथिंग बट, अच्छा मुझे बताओ ये बच्चा लोग क्या ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है क्या? आपको मैं एक टर्म बताता, सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का मतलब क्या होगा, जैसे मैं कोई ग्लास ले लूं और उसमें एक ग्लास और डाल दूं, तो ग्लास को ग्लास में डालोगे तो एक दिखाई देगा, एक स्पून लिया दूसरा उसके ऊपर एक स्पून और रख दिया तो आपको एक दिखाई देगा। बट क्या मैं हैंड, एक हाथ लिया और दूसरे हाथ को उसके ऊपर रख रहा हूँ, क्या ये कभी भी एक दिखाई देगा? नहीं, ये कभी भी दो दिखाई देंगे, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर। तो जो भी चीज ये था उसको एक के ऊपर रखते हो दूसरा, तो ये वो दो दिखाई देते हैं, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये तो आपका एक दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल। जैसे आप एक चेयर ले लो, चेयर को उसके ऊपर दूसरा चेयर रख दो, तो देखते हो आप चेयर के ऊपर चेयर रखोगे तो आपको कैसा दिखाई देता, एक चेयर दिखाई देता है। सेम वे हियर, तो ये क्या है बच्चा लोग, ये नॉन, ये स्ट्रक्चर को यदि मैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर रखू तो इट इज अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सिमी होता है, ऐसा है मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो इनेंसोमर्स आर ऑलवेज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, जितने भी इनेंसोमर्स होंगे दे आर ऑलवेज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ, इनेंसोमर्स आर नथिंग बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड दे डिफर इन द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इन to a same angle but in opposite direction. जैसे सपोज मैंने मान लिया ये प्लस 50 डिग्री रोटेट कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को ये प्लस 50 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो ये लाइट को क्या करेगा, माइनस 50 डिग्री रोटेट करेगा। ये प्लस और माइनस सिर्फ डिफर कर रहा है एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल जितना रोटेशन का वो एंगल भी सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा डिफर करता है। तो मैं बोल सकता हूँ इनेंसोमर्स आर नथिंग बट, यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं इनेंसोमर्स, मेरा आवाज आ रहा है बच्चा लोग? यस सर। इनेंसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर, इनेंसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। And rotate plane polarized light and rotate plane polarized light and rotate plane polarized light through same angle but in opposite direction. But in opposite direction. ये इनेंसोमर होता है। अब इनेंसोमर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है बच्चों, कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी कभी भी सेम होगी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिफर करता है फिजिकल प्रॉपर्टी का, वो है स्पेसिफिक रोटेशन। दिख रहा है ये स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन है ना। इनेंसोमर है, इनेंसोमर, इनेंसोमर है सेम सेम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी and refractive index. क्या
they have same melting point, boiling point, density and refractive index. But they have different specific rotation. स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन. तो मैं एक एग्जांपल लिखता तो आपको एक क्लियर होगा. मुझे बताओ बच्चा लोग, ये 2-methyl CH3 CH3 C2H5 OH. Yes, I'm 2-methyl 1-butanol. एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं बच्चा लोग, मुझे आप लोग बताओ इसका रोटेशन क्या क्या अलग है. एक है बच्चा लोग आप लोगों का, यहां लिखता है एक कंपाउंड पॉजिटिव 2-methyl-butanol, ये एक कंपाउंड है. और दूसरा कंपाउंड है माइनस 2-methyl-butanol, ये मेरा दूसरा कंपाउंड है. दिखाई दे रहा है बच्चा लोग आप लोगों को, ये प्लस मतलब डेक्सो रोटेटिंग, ये माइनस का मतलब होता है लेवो रोटेटिंग, है ना. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखने वाले, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ये दोनों एक दूसरे के डिफर करते हैं, बराबर है. तो कौन सी प्रॉपर्टी पहला हम लोग ले रहे हैं, स्पेसिफिक रोटेशन ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ बच्चा लोग स्पेसिफिक रोटेशन. इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो प्लस 5.9 डिग्री होता है. तो मुझे बताओ इसका कितना होगा, माइनस 5.9 डिग्री होगा. बस एंगल देखो उतना ही रोटेट कर रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है. जो प्लस है वो क्लॉकवाइज है, जो माइनस है वो एंटी क्लॉकवाइज. इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दिया है 128.9 डिग्री. इसका भी आता है 128.9 डिग्री. कितना आता है 128.9. इसका जो डेंसिटी है, इन कंपाउंड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी दिया 0.819 ग्राम पर लीटर. इसका भी उतना है 0.8193 ग्राम पर लीटर. दिखाई दे रहा है बच्चा लोग प्रॉपर्टीज क्या लग रहा है आपको, सेम लग रहा है कि डिफरेंट लग रहा है. ये प्रॉपर्टी सेम है बट एक ही प्रॉपर्टी अलग है जिसका नाम है स्पेसिफिक रोटेशन. एक और एग्जांपल इसी का लिखता हूं मैं यहाँ. ये तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, दूसरा एक एग्जांपल लिखता हूं बच्चों. ऐसा लिख मैंने ऐसा लिखा CH3 C, यहाँ Cl ले लेते और यहाँ ले लेता C2H5 और यहाँ मैं ले लेता H. ये 2-chloro-butane है. इसका आप मिरर इमेज ले लो बच्चे लोग, ये एसिमेट्रिक कार्बन. मिरर इमेज लोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, Cl इधर आएगा CH3, दिस इज माय व्हाट C2H5 और यहाँ मेरा H आएगा, बराबर है. इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, ये सपोज ये है 2-chloro-butane, ये भी है मेरा 2-chloro-butane. दोनों एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज.
both are non superimposable mirror, non semi and non SIMI. So this compound is called as what? This is nothing but what? Enantiomer of each other. क्या होते हैं enantiomer of each other? समझ में आ रहा आपको? Yes or no? समझा बच्चा लोग? ये enantiomer, तो enantiomer कभी भी मिरर इमेज होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे, और दे आर ऑलवेज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, है ना? दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर. तो इनेंसोमर यदि आपको बोलता है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो मिरर इमेज है कि नहीं. यदि वो मिरर इमेज होगा तो वो क्या कहलाएगा? इनेंसोमर. और मिरर इमेज होने पर क्या होते हैं वो? नॉन सुपर. जैसे मैं आप मिरर के सामने खड़ा हो गया और मेरा मिरर इमेज और मेरा जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे. क्यों? क्योंकि यदि वो स्ट्रक्चर को ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे याद आप रखोगे तो वो पूरा कभी भी सुपर इम्पोजिबल नहीं है. राइट हैंड बिकम व्हाट? लेफ्ट हैंड. जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका जो राइट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लेफ्ट में. और लेफ्ट वाला जो है वो किसमें बदल जाता है? राइट हैंड में. समझ में आ रहा है? अभी इसी का एक पार्ट है बच्चा लोग, ऐसे ही एक दूसरा पार्ट है जिसका नाम है डायस्टीरियोमर्स. ये भी पूछे थे डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं. डायस्टीरियोमर्स आर नॉट अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये याद रखना. और ये कभी भी क्या होते हैं? सुपर इम्पोजिबल होते हैं. दे आर नॉट अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सिंपल सा ऐसा याद रखना. तो डायस्टीरियोमर्स आर नथिंग बट दे आर नॉट अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. हेलो सर, कल के टेस्ट में कुछ मतलब मुझे डाउट्स थे, वो पूछो. कौन सा? कल टेस्ट हुआ ना उसमें डाउट वैष्णवी. हाँ, लास्ट में पूछो लास्ट. ओके सर. एक कंपाउंड है जिसका नाम है, दूसरा टर्म एक डायस्टीरियो डायस्टीरियोमर्स का मतलब होता है दे आर नॉट अ मिरर इमेज. दे आर नॉट अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. मैं एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूँ, आप मुझे बताना कौन सा इनेंसोमर है और कौन सा डायस्टीरियोमर्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैं एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखने जा रहा हूँ, आप लोग मेरे को बताओगे कि कौन सा स्टीरियोमर्स है और कौन सा सॉरी कौन सा इनेंसोमर है और कौन सा डायस्टीरियोमर्स. तो डायस्टीरियोमर्स का मैं एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूं. देखो आप मेरे को बताओ इसमें इनेंशियोमर कौन सा और डायस्टीरियोमर्स का. मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, COOH, यहां मैं ले रहा हूँ COOH. ये टार्टरिक एसिड है H और ये OH, ये कंपाउंड है. दूसरा मैंने ऐसा लिया, तीसरा कंपाउंड मैं ऐसा ले रहा हूं. चौथा मैं ऐसा ले रहा हूं.
बोलो मुझे कौन से पे कौन सा आइस कौन सा है जो स्टीरियो आइसोमर से और सॉरी डाई स्टीरियोमर से और इनेंसोमर है। सो वन एंड टू एनांसोमर सर, देखो मैं स्ट्रक्चर पहले लिखता हूँ, नंबर देखा, ये स्ट्रक्चर वन है, ये स्ट्रक्चर टू है, ये स्ट्रक्चर थ्री है और ये स्ट्रक्चर पहले तो मुझे बताओ इनेंशियोमर पेयर कौन सा। इनेंशियोमर पेयर मतलब कौन सा मिरर इमेज देखना है। इनेंशियोमर पेयर पहले स्ट्रक्चर वन एंड टू दे आर वॉट इनेंशियोमर, क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज स्ट्रक्चर वन एंड टू। और बोलो बच्चा और बोलो थ्री एंड फोर, थ्री एंड फोर दे आर मिरर इमेज है क्या बच्चा लोग, दे आर मिरर इमेज और क्या है सब मिरर इमेज है। दिख रहा है इसका मिरर इमेज, कार्बन का मिरर इमेज लोगों तो ये बने, इस कार्बन का मिरर इमेज लोगों तो थ्री एंड फोर इज ऑल्सो मिरर इमेज, यस वेरी गुड, थ्री एंड फोर। चलो अब डाइस्टीरियोमर से तो वन एंड थ्री को रिलेट करो, क्या वन एंड थ्री मिरर इमेज है? नो सर। क्या वन एंड फोर मिरर इमेज है? नो सर। नहीं। टू एंड थ्री क्या मिरर इमेज है? नहीं। टू एंड फोर मिरर इमेज है? नहीं। तो आप बोल सकते हो डाइस्टीरियोमर, समझ में आ रहा है सभी को? तो डाइस्टीरियोमर वो होते हैं जिनके मिरर इमेज नहीं, जो मिरर इमेज एक दूसरे के में, तो पहला मैं बोल सकता हूँ वन एंड थ्री, वन एंड थ्री इज नॉट अ मिरर इमेज, वन एंड फोर दे आर आल्सो नॉट अ मिरर इमेज, टू एंड थ्री दे आर आल्सो नॉट अ मिरर इमेज एंड टू एंड फोर इज आल्सो नॉट अ मिरर इमेज। तो दिस वे वी कैन डिटरमाइन द इनेंशियोमर, ये टर्म याद रखना है, इनेंशियोमर क्या होता है, इनेंशियोमर और डाइस्टीरियोमर, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। इनेंशियोमर कभी भी मिरर इमेज होता है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है और ये कभी भी मिरर इमेज नहीं, दे आर नॉट अ मिरर इमेज। नाउ एक टर्म है इसी के अंदर कायरालिटी, क्या है बच्चे लोग वर्ड कायरालिटी, इसी में बता देता हूँ इसी पीछे कायरालिटी वर्ड है। कायरालिटी ये जो वर्ड है ना इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ, ये ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है हैंडेडनेस, हैंडेड Yes. मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया हैंडेडनेस का मतलब एक हाथ है और ये दूसरा हाथ है, मैं दोनों को एक साथ में रखा, क्या ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल है? नहीं, यदि मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो वो क्या कहलाएगा? कायरल। यदि मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल है तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है? अकायरल होता है। क्या होता है? अकायरल। तो मैं इसमें बोलता हूँ मॉलिक्यूल इज नॉन सुपर इम्पोजिबल, मॉलिक्यूल इज नॉन सुपर इम्पोजिबल देन इट इज वॉट कायरल, मॉलिक्यूल इज नॉन सुपर इम्पोजिबल देन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, और ये मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल इज सुपर इम्पोजिबल है तो यहाँ लिखता हूँ कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव।
और ये मैं बोलता अकायर है ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसको समझाने के लिए ना मैंने दो कंपाउंड लिया, देखो इधर मेरी तरफ देखो, ये बोर्ड ये दिख रहा है, ये स्पून है, ये उसका मिरर इमेज है। यदि ये स्पून का मिरर इमेज मैंने ये लिया तो इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये सुपर इम्पोजिबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा? सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल है, सुपर इम्पोजिबल है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? अकायरल। अकायरल होगा तो जब भी मॉलिक्यूल अकायरल होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। चेयर लिया, एक के ऊपर रख दिया दूसरा, ये भी सुपर इम्पोजिबल हो गया। सुपर इम्पोजिबल है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? अकायरल। अकायरल तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ग्लास लिया, एक के ऊपर रख दिया दूसरा ग्लास, ये क्या हो गया? सुपर इम्पोजिबल हो गया। इफ मॉलिक्यूल क्या है? सुपर इम्पोजिबल है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? अकायरल होगा एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब मैंने क्या लिया दूसरा, ये गाड़ी है, इसका स्टेयरिंग राइट हैंड साइड में, इसका स्टेयरिंग क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में, दिखाई दे रहा है आपको? तो दे आर सुपर इम्पोजिबल की नॉन सुपर इम्पोजिबल? दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये सीजर है, उसका स्मॉल जॉ देखो अपोजिट साइड में, ये जॉ देखो, ये स्मॉल वाला, ये दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर। हैंड को देखो, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। यदि मॉलिक्यूल आपका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा तो क्या होगा? काइरल होगा और ऑप्टिकली क्या होता है? समझ में आ रहा है बच्चा लोग? यस और नो? तो काइरलिटी के लिए, काइरलिटी का मतलब होता है हैंडेडनेस। काइरलिटी से आपको पता चलता है कि मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। हाँ, काइरलिटी से कैसे बताते हैं? यदि मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, इफ द मॉलिक्यूल इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो वो क्या होगा? मॉलिक्यूल काइरल होगा एंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यदि मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है वो क्या होगा? ऑप्टिकली क्या होगा? सॉरी, अकायरल होगा एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ तक समझा बच्चा लोग सभी को? यस और नो? चलो अब आपको एक दो आपके आपके टेक्स्ट बुक में ना दो फॉर्मूला दिया है जो मैंने आपको 11th में पढ़ाने के टाइम पढ़ाया। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया होगा आपको और वेजडेस प्रोजेक्शन फॉर्मूला। यस और नो बच्चा लोग? ये मैंने आपको 11th में पढ़ाया है। यस सर। हाँ, तो भी मैं रिपीट कर देता हूँ, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड वेजडेस प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है? ये सेंटर में कार्बन होता है और ये ऐसा लाइन होती है, कार्बन की चार वैलेंसी होती है, ये दो वैलेंसी ऐसी हो गई, ये ऐसी लाइन को हम बोलते हैं और एक लाइन ऐसा होता है, दिखाई दे रहा है? मतलब ये सॉलिड वेज होता है, ये वेज है और ये डैश होता है, ये इसको डॉटेड वाले को हम बोलते हैं डैश, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाली लाइन पे ये कोई एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं विद इन द प्लेन, दीज विद इन द प्लेन, दीज विद इन द प्लेन। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट करता है ये प्लेन के साथ में, प्लेन के अंदर है, प्लेन। ये क्या है आपका? विद इन द प्लेन। ये क्या है? बिलो द प्लेन होता है। डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन मतलब इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड इट इज व्हाट अबव द प्लेन, ये क्या होता है? अबव द प्लेन।
अबाउट द प्लेन, बराबर है बच्चे लोग? तो फिशर प्रोजेक्शन, सॉरी वेजडस प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, यदि मैं लिखूंगा वेजडस प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो वेजडस प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो डॉटेड लाइन है वो क्या बताता है बताओ? डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट करता है? डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट करता है कि बिलो द प्लेन, ये डैश वाला लाइन क्या बताता है? डैश, सॉलिड डैश जो है वो क्या बताता है? अबव द प्लेन, और ये दोनों क्या बताते हैं? विद इन द प्लेन। एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ, जैसे मैंने ऐसा लिखा है CH3, यहाँ मैंने डैश या ऐसा कर दिया, ऐसा लाइन कर दिया है ना। तो मुझे बताओ ये वाली लाइन क्या बताए? ये जो ग्रुप है ये बिलो द प्लेन है, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। ये जो लाइन पे ग्रुप है ना, इसको हम बोलते हैं अबव द प्लेन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? अबव द प्लेन। और ये जो दोनों लाइन है ना, ये बोलते हैं हम लोग विद इन द प्लेन, विद इन द प्लेन। मतलब ये जो एटम्स या ग्रुप, विद इन द प्लेन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये विद इन द प्लेन। चलो आगे आते हैं बच्चे लोग, और देखते हैं एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कभी भी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, मतलब इसमें जो टेट्राहेड्रल कार्बन होता है इसको हम लोग दो क्रॉस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वर्टिकल लाइन और दूसरा हॉरिजॉन्टल। यहाँ जो टेट्राहेड्रल कार्बन है इसको ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट इस केस में आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कभी भी टेट्राहेड्रल कार्बन एटम्स दो क्रॉस लाइन से रिप्रेजेंट है, एक वर्टिकल लाइन और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो देखो जैसे मैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बन गया, ये मेरा वर्टिकल लाइन है और दोनों हाथ मेरे क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो दिखाई दे रहा है ये ऐसा होता है, ये वर्टिकल लाइन और ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज मूविंग इन द बोर्ड, मतलब इट इज मूविंग प्लेन के पीछे जाते हैं। जैसे सपोज मैं ऐसा बन जाता हूँ, देखो ये मैं वर्टिकल लाइन, मेरा जो शर है वो वर्टिकल लाइन वाला है एंड जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस पे जो भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स है ये इन द बोर्ड आपसे दूर भागते हुए दिखाई देंगे, है ना। आप सामने बैठ के सपोज लेक्चर सुन रहे हो, तो आप मैं खड़ा हुआ सामने, तो ये जो मेरा पार्ट है ये वाला पार्ट वर्टिकल पार्ट, ये इस पे कोई भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए मतलब आपसे दूर भागते हुए दिखाई देगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इस पे कोई भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आपकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। इसलिए देखो ना 3D मूवी देखते हैं ना हम लोग, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके आंख के सामने ही है बहुत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? यस सर। तो दिस लाइन रिप्रेजेंट, दिस इज अ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है और इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, बराबर हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन पे जो भी ग्रुप होंगे दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और दूसरा होता है यहाँ आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम moving towards the observer। इसमें कभी भी मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप हम लोग एट द टॉप में प्रेस करते हैं, एकदम टॉप वर्टिकल लाइन के टॉप मोस्ट में। तो मैं बोल सकता हूँ मोस्ट
oxidizable group. Most oxidizable group is placed at the top of vertical line. Top of vertical line. Are you getting my point, Richard? Top of vertical line. Example लिखता हूँ देखो. CHO aldehyde group है. ये मैंने लिया CH2OH. ये H और ये OH. ये मैंने Fischer projection formula लिखा हुआ. ये जो structure मैंने लिखा इसको हम बोलते हैं Fischer projection formula. ये दिख रहा है आपको most oxidizable group है इसमें. इन सब में सबसे जल्दी oxidizable group यही है. So this is a most oxidizable group. Most oxidizable, most oxidizable group. समझ में आ रहा है बच्चों? Most oxidizable group को हम लोग at the top में रखते हैं. तो जो भी most oxidizable group होगा वो हर समय कहाँ रहेगा? Top most पे रहेगा. तो ये दो formula, दो presentation आपके textbook में दिया था इसलिए मैंने बता दिया. नेक्स्ट पार्ट चलते हम लोग एंड मूव करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज व्हाट SN1 एंड SN2 रिएक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. SN1 एंड SN2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आदित्य मेरा आवाज आ रहा है? ये सब मैंने 11th में ही बताया हुआ है आप लोगों को. जो 11th के बच्चे मेरे साथ रहे होंगे 11th में उन लोगों को मैंने सिखाया है पार्ट अच्छे से. यू कैन रेफर योर 11th का नोट्स आल्सो. चलो आते हैं बच्चा लोग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 एंड SN2 दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं. एक होता है बच्चा लो SN1 और दूसरा होता है SN2. SN1 को हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक. SN1 को हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होता है बच्चे लोग बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसका नोटेशन कैसे करते बच्चे लोग? ये तो आपने सीखा देखा होगा. तो इसको नोटेशन हम लोग ऐसा लिखते हैं. इसका जो नोटेशन होता है ना बच्चे लोग ये होता है ऐसा. एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन. एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यूनिमोलिकुलर मतलब होता है वन. तो वन तो SN1 तो SN1 के फॉर्म में मैं ऐसा लिखूंगा. और इसको हम लोग कैसा लिखेंगे बच्चे लोग बोलो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? ऐसा लिखेंगे SN2 यस और नो? टू का मतलब होता है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.
चलो स्टूडेंट मुझे आप लोग बताओ, यदि मैं कोई रिएक्शन कैरी आउट कर रहा हूँ, ए रिएक्शन करके बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी का फिर से रिएक्शन कर रहा हूँ वो सी में कन्वर्ट हो रहा है, और सी फिर से कन्वर्ट होकर डी बनाता है, डी मेरा प्रोडक्ट है, डी मेरा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, बराबर। ए मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, ए मेरा क्या है बच्चा लोग, रिएक्टेंट। मैंने यहां से स्टार्ट किया रिएक्शन, रिएक्टेंट। तो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट अबाउट बी एंड सी, दे आर नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट, दे आर इंटरमीडिएट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट, है ना। किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने इंटरमीडिएट बनते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इंटरमीडिएट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, आई इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप माइनस वन कर दो। यहाँ नंबर ऑफ स्टेप कितना है, वन टू एंड थ्री, थ्री माइनस वन करूंगा तो टू इंटरमीडिएट आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो? यस सर, है ना। हर एक स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट होता है। व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी। जैसे सपोज मैं यहाँ खड़ा हूं, यहां से मैं यहाँ आ गई, तो देर इज अ सम एनर्जी चेंज, मेरे में कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होगा, वो आइदर कितना भी हो उससे मुझे लेना देना नहीं है। देयर इज अ एनर्जी चेंज, इफ आई मूव, आई टेक वन स्टेप, टू स्टेप, एनी एनी स्टेप आई टेक, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में मैं जा रहा हूं, तो देयर इज अ चेंज इन एनर्जी, और हर एक स्टेप में एनर्जी चेंज होता है, राइट। इसका मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो चेंज इन एनर्जी है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट बच्चा बोलते हैं। तो हर एक स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट होगा, तो स्टेप ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ स्टेप, टी का मतलब होता है एस, टी एस, टी इक्वल टू एस। तो हर जितने भी स्टेप होंगे उतने ही ट्रांजिशन स्टेट। जैसे मुझे बताओ, ए से मेरा बी गया होगा तो ए में कुछ एनर्जी चेंज हुआ होगा, दैट चेंज इज कॉल्ड एज योर ट्रांजिशन स्टेट। मेरा बी सी में बदला होगा तो सी में, बी से सी में जाने के लिए बी में कुछ तो एनर्जी चेंज हुआ रहेगा ना, देयर इज एनर्जी चेंज, और दैट एनर्जी चेंज इज व्हाट, नथिंग बट व्हाट, ट्रांजिशन स्टेट। तो हर एक स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट होता है, याद रखना, जितने भी स्टेप होंगे रिएक्शन के अंदर उतने ही ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, बराबर है। तो हर एक स्टेप का क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कैसे फाइंड आउट कर दे, एस माइनस वन, और टी इक्वल टू होता है एस, टी मतलब होता है क्या बच्चा लोग, श्रावणी क्या होता है, टाइगर ना, श्रावणी नरशाल, व्हाट इज टी स्टैंड फॉर, आदित्य, व्हाट इज टी स्टैंड फॉर, टाइगर और व्हाट, आदित्य व्हाट इज टी स्टैंड फॉर, टाइगर और क्या, कुछ और बोलते हैं हम उसको, मेरा आवाज आ रहा है बच्चा लोग आप लोगों को, अरे टी का मतलब टाइगर नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, एस का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेप, स्टेप होता है, आई का मतलब आइसक्रीम नहीं होता है, आई मतलब होता है इंटरमीडिएट बच्चा लोग, इंटरमीडिएट, समझ में आ रहा है। तो मुझे SN1 और SN2 में नंबर ऑफ स्टेप निकालना है, ट्रांजिशन स्टेट निकालना और इंटरमीडिएट निकालना, तो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे आदित्य है, आदित्य को ना मैंने क्या किया, एलिफेंट के ऊपर बिठा दिया, ये वन, वन के ऊपर ई लिखो, ई का मतलब ये मैंने वन लिया, एस एन वन लिया, बराबर है, एस एन वन, ये वन, ये एलिफेंट ई लिखा, और आदित्य को मैंने एलिफेंट के ऊपर लिखा, एस आई टी सी,
क्या लिखा मैंने उसके ऊपर, शिथिल। तो मुझे बताओ एस का मतलब क्या होता है, दिशा, स्टेप। आई मतलब होता है इंटरमीडिएट, यस और नो बच्चा लोग? यस सर। और टी का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। अभी आदित्य हाथी के ऊपर ही बैठा हुआ है, एलिफेंट के ऊपर बैठा हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट। और वहां से ना वो पेन बेच रहा है बैठ के, एलिफेंट के ऊपर बैठ के क्या कर रहा, पेन को बेच रहा है, सेल कर रहा है। फिर से आदित्य, आदित्य के बाद वरद को ना एलिफेंट के ऊपर बिठाते, वरद भी बैठ गया, दिख रहा है आपको, ये वरद को मैं बिठा रहा हूँ। ई लिख दिया टू ई, यहाँ लिखो सिट, एस आई टी सिट। तो मुझे बताओ ये स्टेप होगा, ये होगा बच्चा लोग इंटरमीडिएट, पट्टी का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या होता है स्टूडेंट, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। अब आदित्य पेन बेच रहा है, क्या बेच रहा है, एक पेन को बेच रहा है। तो बोलता है एक का दो, एक का दो, एक पेन कितने रुपए में, 2 रुपए में। तो वरद उसका उल्टा बोलता है, पलट, 2 का 1। क्या बोलता है वरद, 2 का 1, 2 पेन कितने रुपए में बेच रहा है वो, वरद 1 रुपए में। तो मुझे बताओ एक है तो नंबर ऑफ स्टेप कितना आएगा, 2। तो आदित्य को याद रखना, आदित्य ने क्या बोला था डायलॉग, 1 का 2, 1 पेन कितने रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए में। वरद 2 का 1, 2 का 1 मतलब नंबर ऑफ स्टेप कितना है, 1। तो ये 2 रहेगा तो नंबर ऑफ स्टेप क्या होगा, 1। यदि 1 है तो नंबर ऑफ स्टेप क्या होगा, 2। यदि मुझे ये मालूम पड़ गया, आई कैन डिटरमाइन बाय दिस फॉर्मूला रेस्ट। मुझे बताओ इंटरमीडिएट क्या होगा बच्चा लोग, हाउ मेनी इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म इन SN1 रिएक्शन, 1 1 1 1। ट्रांजिशन स्टेट कितना होगा बच्चा लोग, 2। देखो ना जितने स्टेप होंगे उतना ही ट्रांजिशन स्टेट, जितना स्टेप होगा उतना ही ट्रांजिशन स्टेट होगा। तो SN1 के गाड़ी का नंबर कितना है, 212। इसके गाड़ी के प्लेट का नंबर कितना है, 212। 2 1 2 2, नंबर ऑफ स्टेप 1, ट्रांजिशन स्टेट सॉरी इंटरमीडिएट एंड 2 इज द ट्रांजिशन स्टेट। इसका आ जाओ यहाँ, इसको बताओ, इसको बताओ बच्चा लोग। वरद क्या बोलता था, 2 का 1, 1 यहाँ, 1 minus 1 0, नो इंटरमीडिएट, नंबर ऑफ स्टेप, हर एक स्टेप का क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो SN2 के गाड़ी के प्लेट का नंबर कितना है बच्चा लोग, 101। समझता है, तो ये मैं बोलू SN1 में कितने स्टेप होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ स्टेप कितना होता है, 2। कितने इंटरमीडिएट बनते हैं, 1। कितना ट्रांजिशन स्टेट होता है, 2। SN2 में नंबर ऑफ स्टेप कितना होता है, 1। ट्रांजिशन स्टेट कितने होते हैं, 1। इंटरमीडिएट स्टेप कितना बनता है, 0 1 0 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कुछ समझता है आप लोगों को? Yes. कुछ समझता है बच्चा लोग? Yes, sir. मैंने देखा बहुत सारे बच्चे लोगों ने टेस्ट में आउट ऑफ भी लेके आ गए हैं, है ना। उनका ही दिन था लगता है, तुक्का मारने का बहुत अच्छा दिन था उनका, जिस चीज पे वो रखेंगे वही चीज उनका हो जाएगा, है ना। बहुत लोग ऐसे थे उसमें जो तुक्का मार के आए, आउट ऑफ लेके आ गए, है ना बच्चे लोग। बहुत लोग पढ़ के भी लाए होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत लोग पढ़ के भी लाए हैं मार्क्स, बहुत लोगों को 3-4 मार्क्स भी मिला हुआ, वो लोग पढ़ते ही नहीं, वो लोग सोते ही थे। बराबर है बच्चे लोग, अभी हम लोग डिटेल में क्या डिस्कस करने वाले, SN1 रिएक्शन। तो आप इसको एक बार रीड करो, फिर मैं SN1 रिएक्शन आपको समझाता हूँ।
चले मैं चलूँ आगे। चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 के बारे में डिटेल में, है ना। SN1 क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कंडीशन फॉर SN1 रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को SN1 के थ्रू जाना है तो कौन सा कंडीशन उस रिएक्शन में होना चाहिए, और इससे डेफिनेट क्वेश्चन आता ही है, फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप पढ़ रहे हैं अभी। तो आते हैं हम लोग बच्चों लोग SN1, मुझे बताओ SN1 का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों लोग। SN1 को हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको ऐसा भी बोलते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यदि मैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी बोलूं तो मतलब एक ही है। किसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हम लोग कर रहे हैं बच्चा लोग, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इफ आई डू द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ऑल्सो नोन एज SN1 रिएक्शन। तो SN1 को हम बोलते हैं बच्चा लोग इट इज यूनिमोलिकुलर मतलब एक ही के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मैं रिएक्शन लिखता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। एक जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, मुझे आप बताओ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो यू राइट ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये मेरा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, बराबर है। इसको आप एक्वेस KOH के साथ रिएक्शन करो, इसके साथ रिएक्शन करो एक्वेस KOH के साथ, इसको आप हीट करो बच्चों। जब आप हीट करते हो ना तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर, ये इधर जाए, बराबर है। और आपको ऐसा प्रोडक्ट बनता है CH3, बाद में मैकेनिज्म बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ CH3 यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, OH होगा, प्लस क्या बनेगा KBr। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड आदित्य, इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इट इज नोन एज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये मेरा क्या बच्चे लोग टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, अब मैं इसका कॉन्सेंट्रेट, मुझे क्या करना है इसका काइनेटिक एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था काइनेटिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की स्पीड हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम लोग यहाँ देखते हैं। तो याद रखना कोई भी रिएक्शन का यदि आपको स्पीड डिटरमाइन करना है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन का रेट यदि मुझे डिटरमाइन करना है, स्पीड डिटरमाइन करना है, तो ऑलवेज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। यदि मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। रेट का मतलब होता है स्पीड। तो ये हमें देख के नहीं पता चलता, ये रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन का स्पीड इतना, इतना बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता बच्चों कि हम देख के बता दें कि रिएक्शन की स्पीड नहीं। तो हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटली इट इज डिटरमाइंड, इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इट इज अ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। तो मैं एक्सपेरिमेंट कैसे करता हूँ बच्चा लोग, एक बार मैं इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता हूँ और देखता हूँ कि कितना टाइम रिएक्शन को लग रहा है। तो जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इंक्रीज करता हूँ तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। मैं इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बराबर है। मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे
इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगा, क्या रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ आते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, KOH मतलब न्यूक्लियोफाइल दे रहा OH माइनस, इसके कॉन्सेंट्रेशन को मैं बढ़ा रहा हूँ, जब इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इसके कॉन्सेंट्रेशन को मैं कम कर रहा हूँ तो भी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूनिमोलिकुलर, एक के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना, इसको कम करो या ज्यादा करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोला जाता है क्योंकि एक के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, चलो क्या बोला मैंने, इसको मैं यहाँ लिखता देखो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3CbR, इट इज इंडिपेंडेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, चलो रेट इक्वल टू के इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 हाउ मेनी टाइम्स, थ्री टाइम्स CBR बॉन्ड, K इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, K को क्या बोलते हैं बच्चे लोग, हम लोग रेट कांस्टेंट, K स्टैंड फॉर माय रेट कांस्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चे लोग, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली कॉन्सेंट्रेशन, ओनली मोलार कॉन्सेंट्रेशन, मोलार molar concentration of tertiary butyl bromide, only tertiary butyl bromide, it is independent, it is independent to molar concentration, it is independent to molar concentration of nucleophile OH minus, hence it is known as unimolecular reaction or first order reaction or first order reaction, समझ रहा बच्चा लोग, यस और नो सभी को, क्या बोला मैंने ये पॉइंट, यदि आपको ये समझता है तो आगे के पार्ट इजी है। देखो रेट को मैंने क्या रिलेट किया, कॉन्सेंट्रेशन, कभी भी याद रखना रेट सिर्फ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं लेना ना, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये कभी भी एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट होता है, इट इज व्हाट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, इट इज नॉट थियोरेटिकली, तो एक्सपेरिमेंटल में तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, बट इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम या ज्यादा करने पर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ डिपेंड्स करता है किसके, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर, इट इज इनडिपेंडेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉट,
न्यूक्लियोफाइल, hence it is called a unimolecular reaction or first order reaction. समझा ना? चलो यहाँ तक. Any doubt? Next आते हैं हम लोग mechanism की तरफ. तो अभी मैंने आपको बोला ये कितने स्टेप में प्रोसीड होगा. बच्चे लोग बोलो मैकेनिज्म का मतलब कैसा होता. मैकेनिज्म का मतलब जैसे सपोज मैं ए से सी बना रहा हूँ, ए से मैं सी बना रहा हूँ, तो ए इज माय रिएक्टेंट, सी इज माय प्रोडक्ट, थ्रू बी बना रहा हूँ ना. बच्चा लोग बीच में बी बनेगा कि नहीं बनेगा? बी इज माय इंटरमीडिएट. यदि मैं किसी रिएक्शन के अंदर ये इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करता हूँ, किसी भी रिएक्शन के अंदर यदि मैं इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब आई एम रिप्रेजेंटिंग द मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन. तो यदि आप इंटरमीडिएट रिप्रेजेंट करते हो रिएक्शन के अंदर, कोई भी रिएक्शन एक्स वाई जेड एनी रिएक्शन यू टेक, इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग द इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, मतलब यू आर रिप्रेजेंटिंग द मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन. तो ये कितने स्टेप में होता है? मैंने आपको बोला था एक का दो, इट इज टू स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म. इट इज टू स्टेप. स्टेप वन क्या होता है बच्चा लोग बोलो? स्टेप वन होता है फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन. और स्टेप टू होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH-. ये अभी हम लोग दोनों स्टेप देखने वाले हैं वन बाय. जस्ट एक बार रीड करो, आगे बताता हूँ. तो SN1 कभी भी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. SN1 को और भी बोला जाता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. काइनेटिक एक्सप्रेशन थ्योरेटिकली नहीं होता है, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं. बच्चा लोग 10-15 मिनट लेक्चर आपका एक्सटेंड होगा, क्योंकि मैं ये पार्ट पूरा कनेक्टेड पार्ट करूंगा, तो कोई भी एग्जिट नहीं होगा आफ्टर 6:30, है ना? आपका लेक्चर कितने बजे का? 7:00 का है ना? ये सब कनेक्टेड पार्ट है. आते हैं बच्चे लोग हम लोग स्टेप वन मैकेनिज्म की तरफ आते हैं. हम लोग मैकेनिज्म में मैं लिख रहा हूँ स्टेप वन. मैंने क्या बोला आपको बच्चे लोग बोलो? स्टेप वन का फॉर्मेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन. मतलब कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है बच्चा लोग? कार्बोनियम आयन, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज. तो देखो मैं इसको ना अभी वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला में मैं रिप्रेजेंट करूंगा CH3. यहाँ मैं ऐसा ले रहा हूँ CH3 और यहाँ मैं Br ले रहा हूँ. कैन एनीबडी टेल मी, ये जो सेंट्रल कार्बन है बच्चा लोग, ये सेंट्रल कार्बन के ऊपर देयर आर 3 बल्कियर ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड. दीज आर बल्की ग्रुप. बल्की मतलब भारी, बहुत बिगर ग्रुप है.
तो दिस इज व्हाट बल्कियर ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन एटम. ड्यू टू ये बल्कियर ग्रुप होने की वजह से ये जो कार्बन है इट फील अ लिटिल बिट स्टेरिक हिंड्रेंड और क्राउडीनेस और बल्कीनेस. और जिसके वजह से ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच का जो बॉन्ड होता है इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. दोनों के बीच में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसलिए इसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. एंड ड्यू टू दिस स्टेरिक हिंड्रेंस दिस सीवीआर बॉन्ड, ये जो पोलर सीवीआर बॉन्ड है ये स्लोली आयोनाइज होना चालू हो जाता है. मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो सपोज ये कोई पर्सन है, इसके ऊपर बहुत लोग तीन तीन बल्कियर लोग बैठ गए. तो मुझे बताओ ये एक पतला सा थिन लड़का है, इसके ऊपर वरद के जैसे तीन लोग बैठ गए. तो मुझे बताओ ये क्या करेगा, वरद के तीनों लोगों को क्या करना चाहेगा, बच्चे लोग हटाना चाहेगा ना, जल्दी से हटाना चाहेगा, नहीं तो ये ऊपर जाएगा सीधा. समझ में आ रहा मैं कहना क्या चाहता हूँ, मतलब इसके ऊपर क्या हो गया, क्राउडीनेस बल्कीनेस हिंड्रेंड क्या हो गया, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ. तो ये क्या करता है मालूम है, ये ग्रुप को हटाने के लिए ये क्या करता है, अपने सीवीआर बॉन्ड को, ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड जो है ना ये इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है. क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है. तो वही कर रहा है, ये मिथाइल ग्रुप जो है, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, देयर आर द थ्री स्टेरिक हिंड्रेंड और बल्कियर ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंटर कार्बन एटम. तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, इन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड देयर आर थ्री मिथाइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंटर कार्बन एटम्स, हेंस सेंटर कार्बन हैज बल्की नेचर और स्टेरिक हिंड्रेंस नेचर. ड्यू टू दिस the CBR bond present, due to this CBR bond present in tertiary butyl bromide ionize slowly to form tertiary butyl carbocation. तो इसका आयोनाइजेशन होना चालू हो जाता है बच्चे लोग. ये जो आयोनाइजेशन होता है ये स्लो होता है, स्लो. तो देखो कैसा होता है आयोनाइजेशन, ये पहले पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होता है, याद रखना ये कभी भी पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं होगा. तो ये कार्बन है मेरा, ये मेरा मिथाइल ग्रुप है बच्चा लो, ये आपका मिथाइल ग्रुप CH3, ये आपका डैश वाला ग्रुप, ऐसे रहेंगे. ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, दिख रहा है आपको, पार्शियली ब्रेक डाउन हो रहा है डॉटेड. जब ये ब्रेक डाउन होता है ना तो ये ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इस पर डेल्टा माइनस चार्ज होता है, इस पर डेल्टा प्लस चार्ज होता है. So you will get a product like this. इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट वन, ट्रांजिशन स्टेट वन. अब फाइनली ये क्या हो जाता है, ये ब्रोमीन ना, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रॉन, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है. तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, स्टेप फास्ट होता है और आपको ऐसा प्रोडक्ट बनना दिखा, आपको ऐसा प्रोडक्ट बनेगा बच्चों. प्लस बी आर माइनस, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज. ये है टर्शरी ब्यूटाइल, इसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल. कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोनियम आयन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन. इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा सेंटर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है. क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज, कौन सा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड. ज्योमेट्री जो होता है ना बच्चे लोग, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है. क्या होता है ट्राइगोनल, इसको ज्वाइन करोगे तो ट्राइंगल बनेगा और एक ही प्लेन के अंदर, तो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर. समझ में आ रहा है बच्चा लोग, यस और नो. तो मैंने क्या बोला, क्या इन टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप. अच्छा ये जो स्टेप होता है बच्चा स्लो होता है, इसलिए इसको हम लोग कभी भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो मैं यहां लिखता हूं इन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड सेंटर कार्बन
is directly attached by three methyl group. Hence there is steric hindrance or crowdiness or bulkiness on center carbon. सबसे पहली बात, ड्यू टू दिस, ये बल्किनेस की वजह से क्या होगा, हेंस सीबीआर बॉन्ड स्टार्ट आयोनाइजिंग स्लोली, हेंस सीबीआर बॉन्ड ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड स्टार्ट आयोनाइजिंग स्लोली टू फॉर्म टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन थ्रू ट्रांजिशन स्टेट वन. समझ में आ रहा है बच्चा लोग? यस और नो? यहाँ तक यस और नो बच्चा? हमने क्या बोला मालूम है? ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है, इसके कार्बन पे देयर आर थ्री बल्कियर ग्रुप एंड ड्यू टू दिस बल्कियर ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस आता है और स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से इसके ऊपर क्राउडीनेस बल्किनेस हो जाता है. क्राउडीनेस और बल्किनेस की वजह से ये जो सीबीआर बॉन्ड होता है ये स्लोली आयोनाइज होना चालू होता है टू फॉर्म टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम. अब क्या करेगा, इसके ऊपर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो कार्बोनियम आयन है ना, इसके ऊपर स्टेप टू में अटैक होता है. कौन सा स्टेप होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ स्टेप टू दिखाता हूं मैं आपको. स्टेप टू लिखता हूं बच्चे लोग, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. कौन सा न्यूक्लियोफाइल लेंगे बच्चे लोग? OH-. क्या लेते हैं हम लोग? OH-. तो देखो ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ये मेरा न्यूक्लियोफाइल. याद रखना, सपोज मैंने मान लिया ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन कितना है मेरे पास, सपोज मैंने मान लिया बच्चे लोग ये 100 मॉलिक्यूल्स है. मान लिया 100 मॉलिक्यूल्स है. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं. ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है इसके ऊपर और ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है. तो 50% क्या होता है बच्चा लोग? फ्रंट साइड से अटैक होता है और 50 मॉलिक्यूल को वो बैक साइड से भी अटैक करता है. याद रखना, 50 मॉलिक्यूल को किधर से अटैक करेगा? फ्रंट साइड से अटैक करेगा. तो 50 मॉलिक्यूल कहां से अटैक होंगे? बैक साइड से अटैक होंगे. समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला? तो यही है, ये फ्रंट साइड से सपोज 50% अटैक हो रहा है, फ्रंट साइड अटैक. तो 50% अटैक कहां से होगा बच्चे लोग? बैक साइड अटैक. मतलब क्या? इसमें दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं. देख यहां मैं दिखाता हूँ, एक पहला फ्रंट साइड अटैक दिखाता हूँ आपको. ये फ्रंट साइड अटैक मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ. तो ये आपका बच्चे लोग ये ऐसा होगा, CH3
ये डॉटेड लाइन, ये मैं यहाँ लिखता हूँ CH3, ये CH3, यहाँ पार्शियल बॉन्ड पहले फॉर्म होगा, फ्रंट साइड से अटैक हो रहा है ना, ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये डेल्टा माइनस होगा, इस पे डेल्टा प्लस होगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, और फाइनली ये प्रोडक्ट में बदल जाता है, फाइनली ये क्या बनाता है प्रोडक्ट में, CH3 C, ये CH3, यहाँ CH3 और ये OH। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो ब्रोमीन था ये राइट साइड में था, OH राइट साइड में ही आ रहा है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल डिफर कर रहा है, इसको हम बोलते हैं 50% रिटेंशन, इसका एक वर्ड है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो 50% प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये कब पॉसिबल होगा, जब ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा। दूसरा, अब ये क्या कर रहा है बच्चा, बैक साइड भी अटैक कर रहा है, मैंने आपको बोला ना बैक साइड भी अटैक है, ये दिखाई दे रहा है बैक साइड वाला, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बैक साइड, बैक साइड अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल इधर आएगा, ये कार्बन के साथ ऐसा बॉन्ड बनाएगा, ये CH3, ये डॉटेड लाइन ऐसे करो, और ये सॉलिड बेच, इस पे चार्ज क्या आएगा, मत चलो डेल्टा माइनस, इस पे चार्ज डेल्टा प्लस, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये भी सेकेंड ही होने वाला, ये साथ में होता है, ये अलग अलग नहीं होता है, ये मैंने अलग अलग आपको बताया, साथ में ही रिएक्शन होता है, और ये फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चा लोग, प्रोडक्ट में। तो दिखाई दे रहा है आपको प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है, CH3 CH3, और ये दिख रहा है OH ग्रुप कहाँ आ रहा है, ये राइट साइड में, यहाँ OH ग्रुप कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम बोलते 50% इनवर्जन इन कॉन्फिगरेशन, इनवर्जन 50% रिटेंशन है, 50% इनवर्जन है, 50% रिटेंशन है, ये दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, रेसमिक मिक्सचर बोला जाता है, ये दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। मैंने आपको पढ़ाया था रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी सब्सटेंस को, यदि आप 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी और 50% लेवो रोटेटरी सब्सटेंस को मिक्स करते हो तो जो मिक्सचर बनता है वो क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर होता है, एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो ये क्या करेगा, सपोज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज उतना ही घुमाएगा और ये मिक्सचर क्या बनाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो ये जो होता है कंपाउंड जो बनेंगे ना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनते हैं, ये जो फिनोमिना होता है इसको हम बोलते हैं रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन अकर, SL1 में कभी भी रेसमाइजेशन होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव कंपाउंड। समझा गए, चलो मैंने क्या बोला फिर से बताता हूँ एक बार, फिर हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। देखो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो न्यूक्लियोफाइल जब ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनाता है और ये प्रोडक्ट बनता है, OH ग्रुप राइट साइड में, यहाँ BR भी OH राइट साइड में, तो एक जैसा ही प्रोडक्ट, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल डिफर कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। ये 50% बनेगा, यहाँ से बैक साइड से अटैक से 50% ये प्रोडक्ट बनता है, जो OH ग्रुप लेफ्ट साइड में आता है, ये इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। तो 50% इन्वर्जन बनता है, 50% रिटेंशन, दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, और ये जो फिनोमिना होगा इसको हम बोलते हैं रेसमाइजेशन। ये जो रेसमिक मिक्सचर होता है ये ऑप्टिकली क्या होता है स्टूडेंट, इनएक्टिव होता है, क्या होता है, इनएक्टिव होता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी आप मेरे को डाउट पूछो बच्चा, किसका कौन सा डाउट था ना पेपर का आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन था ना, जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड, हाँ तो 3-2-1 लिखना है, उसका 3-2-1 है कि 1-2-3 है, 3-2-1 आपने ना एक जगह पे 1-2-3 लिखवाया है। हाँ सर,
उसमें बताओ क्या लिखा था क्वेश्चन में. जनरल ऑर्डर रिएक्टिविटी. एक मिनट में देखता हूँ क्वेश्चन. जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको अभी जनरली आपको क्या कंसीडर करना रहता है बच्चा लोग, 3-2-1 ही कंसीडर करना रहेगा. ओके सर. है ना, जनरल बोला है. अब जब मैं SN1, अभी मैंने उसके पहले आपको SN1 SN2 नहीं पढ़ाया था ना, समझ में आ रहा है. जब मैं SN1 और SN2 नहीं पढ़ाया और आपको बीच में कहीं पूछ लिया तो आप बोलोगे 3-2-1. जैसे मेरा SN1 और SN2 कंप्लीट होता है तो आपको SN1 के हिसाब से रिएक्टिविटी ऑर्डर अलग होगा, SN2 के हिसाब से रिएक्टिविटी ऑर्डर अलग होगा. तो जो आप बोल रहे हो ना 1-2-3 वो SN2 के हिसाब से है, और जो मैंने बोला है 3-2-1 वो SN1 के हिसाब से होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझा. इसलिए मैंने आपको ऐसा लिखा था जनरल. जनरल में कभी भी 3-2-1 लिखने का आपको, और यदि आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ये कहीं भी पूछेगा ना तो वो मेंशन करेगा SN1 के हिसाब से बताओ, SN2 के हिसाब से बताओ. तो फिर दोनों करेक्ट है कि क्या करेक्ट है? अभी अभी 3-2-1 कंसीडर करना है. ओके सर. सर और एक क्वेश्चन था, इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड फॉर्म्स अ कंपाउंड एक्स, द फंक्शनल आइसोमर ऑफ एक्स इज डैश. तो उसका आंसर क्या है? आइसोसाइनाइड वाला है. आप देखो. हाँ, फिर उसका NC आएगा कि CN आएगा? एक मिनट बता रहा हूँ. इथाइल क्लोराइड आपने लिखा है ना, इथाइल क्लोराइड KGCN के साथ ट्रीट करो. देखो आपने इथाइल क्लोराइड को, जब आप इथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ ट्रीट करोगे ना, AgCN के साथ, तो आपको ऐसा बनेगा C2H5NC बनेगा. ये आइसोसाइनाइड का जो फंक्शनल आइसोमर होता है, फंक्शनल आइसोमर होता है वो साइनाइड होता है. तो यहाँ साइनाइड आएगा C2H5, इथाइल साइनाइड आंसर आना चाहिए. समझा? तो फंक्शनल आइसोमर मतलब वो नहीं था. फंक्शनल आइसोमर मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप अलग है. ये आइसोसाइनाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ये साइनाइड. साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं. जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप अलग होंगे, तो उनको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर. तो साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं. साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं. ओके, तो इसमें हमको आइसोसाइनाइड का फंक्शनल आइसोमर लिखना था. यस यस, वहां आइसोमर बोला था तो मतलब फंक्शनल आइसोमर लिखना था. ओके, थैंक यू सर. और बाकी के लोग जरा वीडियो ऑन करो. आप लोग कितने लोग भाग गए? मेरे को 28 दिख रहे थे, 5 लोग निकल गए. श्रावणी नरसाले आता ज्वाइन के लिए ना. हाँ, एक भी तुम्हारा नाम लेने पे भी रिप्लाई नहीं देती हूँ. आशीष ऑन योर वीडियो. आस्था सिंह, हाउ वाज योर पेपर? पेपर अच्छा किया तुमने, 9 मार्क्स मिला है ना आस्था सिंह? नहीं सर, 7 मिला है. कितना क्या, क्यों 2-3 गलत हो गया? और प्राची सावंतला 8 भेटला है, 8 है ना, 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया. प्राची क्या भजिया खा रही हो? नहीं सर, चॉकलेट. अच्छा, मेरे को लगा भजिया खाते हुए, बारिश का सीजन है, गरम गरम भजिया खाते हुए और साथ में चाय रखे लेक्चर का एंजॉय करते रहेंगे हम. हाँ बोलो, कितना कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया तुम्हारा? सर वो आइसोमर का और
और दिशा दिशा को 10 मिला है, 10 out of 10 है ना दिशा? यस सर। वैष्णवी, वैष्णवी ला 8 भेटला की 7 भेटला है? वैष्णवी कितना? 8। आणि श्रावणी जाधवला 10 मार्क्स। श्रावणी, श्रावणी जाधव को 10 मार्क्स मिले। वेरी गुड, पढ़ाई किया था उसने। सेवा सालवीला पण 10 मार्क्स भेटला, तुक्का मारा था इसने। एक दो ऐसा थोड़ी होता है तुक्का मारा, एक तो तुक्का तो मारा ही रहेगा तुमने, मेरे को मालूम है ना सर। मैंने पढ़ा और थोड़ा एक, हाँ एक तुक्का मारा। देखा मैं बोलता ना, ये अंतर्यामी हम लोग केमिस्ट्री वाले। तालिब शेख कौन है? ये नया स्टूडेंट। तन्वी, तन्वी, तन्वीला कितनी बैठला है? अरे ऑन योर सर 8। बच्चा लोग वीडियो ऑन करो जरा तुम लोग, इतनी बार बोलना पड़ता है एक ही चीज को बार बार। हाँ सार्थक पवारला पन के, अंकिता, श्वेता, श्रेया सिंह, ये ऑन योर वीडियो, ये लोग वीडियो नहीं ऑन करते हैं। रितिका को 10 मिला है, 10? नो सर नहीं मिला। अच्छा कितना मिला है तुमको फिर? 9। वेरी गुड। राजलक्ष्मी पहला ले, अभी ज्वाइन किया क्या? और कौन है? और ये सार्थक, तेरे को कितना मिला? सार्थक पवार 4 नंबर किसको मिला रे? 4 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले भी है इसमें। कौन है ईमानदारी से बताओ? कौन है 3 नंबर वाला? कौन है रे आदित्य? तू कहे, तू किधर घूम रहा है? एकदम घूम घूम के पढ़ाई कर रहा है आदित्य? नो सर। तेरे को कम मिला रे आदित्य? 8 नंबर मिला है। नो सर 9। 9? 9, 1 नंबर किधर गया तेरा? और श्रावणी तुमको कितना मिला? कौन सा गलत हुआ तेरा, कौन सा रॉन्ग हुआ? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वाला सिल्वर, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। इतना भी दिमाग नहीं लगाता है, एकदम जल्दी जल्दी में करता है क्या काम सब? उसमें ना ड्राई पहले लिखा था तो यही तो है ना, ऐसे ही क्वेश्चन को फंसाते हम लोग। ठीक है, अभी मैं वर्कशीट भेजता हूँ थोड़ा, है ना? आप लोगों को थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व करना रहेगा, है ना? बच्चा लोग समझा सभी को? वर्कशीट में भेज रहा हूँ तो आप सॉल्व करना, और वो फिर से हम लोग उसी के ऊपर टेस्ट रखेंगे। समझा सभी को? इसी बहाने आपका चैप्टर पूरा पढ़ के हो जाएगा। आप टेस्ट अच्छे से दोगे ना तो पूरा चैप्टर पढ़ के हो जाएगा। लास्ट में ऐसा लगेगा कि कुछ चैप्टर आता है, नहीं तो क्या होता है लास्ट लास्ट में ना टेस्ट लेने में कुछ फायदा नहीं। तो बीच बीच में ऐसे रखूंगा टेस्ट, जैसे अभी एक लेक्चर हो गया, अभी ये SN1 SN2 का खत्म होगा ना, तो नेक्स्ट वाले क्लास में भी ऐसे दोनों को क्लब करके टेस्ट लूंगा। चलो थैंक यू वेरी मच सर। बाय सर। थैंक यू सर। कितना जल्दीबाजी है सेवा को। हाँ।